प्रताप फाउंडेशन द्वारा भव्य दही हंडी उत्सव का आयोजन मीरा रोड शांति पार्क में विक्रम प्रताप सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जहां मंच पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। फिर वो चाहे राजनीति क्षेत्र हो या फिल्मी दुनिया, आए हुए सभी अतिथियों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मंच पर बच्चों द्वारा डांस भी प्रस्तुत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इस मौके पर मौजूद रही। प्रताप फाउंडेशन के दही हंडी उत्सव में कई गोविंदाओं की टोली ने आकर मटकी को सलामी दी। तो वहीं इस मौके पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी पहुँचे और मंच से विक्रम प्रताप सिंह को अच्छा नेता बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर विक्रम प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है। आप पिंटू भाई एक फोटो हो जाए, फोटो। ये भोजपुरी गाना कोई अच्छा बोली बताइए सर। भाई भाई बोलो। डीजे वाले बाबू जरा अच्छा वाला। पवन सिंह साहब से गुजारिश करूंगा आज के इस पावन अवसर पर हम सभी से दो शब्द कहने के लिए अनुरोध करूंगा। पवन सिंह जी हाल चाल बा। अरे रुकोगे आप सब यहाँ, जितना भी हमारे भाई भैया माता बहन आप लोग खड़ा पानी जा, सबके पवनवा पैर छू के प्रणाम करता है, वो ताली बजा के आशीर्वाद देते हैं। यही मीरा रोड में हमारे फिल्म के शूटिंग चलत रहा था, जो फिल्म के नाम है शेर सिंह। शेर सिंह के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे छोटे भाई शशांक जी। जी यहाँ है, यहाँ है, आइए 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 सर। ये रियल शेर है। अरे नहीं नहीं यही शेर है। और बड़े भैया हमारे दीपक जी, विक्रम भैया, विक्रम सिंह जी, इनको कलाकार से बहुत लगाव है, बहुत मानते हैं। और हमारे बड़े भैया पिंटू सिंह जी मुझे बहुत मानते हैं। फिल्म के शूटिंग चलत रहा था, भाई लोगन के आदेश भइल है कि भैया हिजा आपके 5 मिनट खाती चले गए। वहाँ हम कहनिया कि भाई का बात कैसे टाल सकता है, जरूर आएंगे अपने भाइयों के बीच में। आप लोगन के बीच में आके खड़ा होके के मौका मिलल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय हो भोजपुरी समाज। हम गाना गावे तो यहाँ आई नहीं थी, लेकिन गुनगुनाऊंगा जरूर। हर एक के हुके ईमान रही। और मीडिया से हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। हर एक के हुके ईमान रही। कहीं युग रापस में सुरहे बरस में हुस्न के जादू अदा के मंत्र तुहु पे चलने पड़े भगवान। बड़ी फुर्सत से आप सब
नमस्ते प्रणाम मिलेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज हमने अपना हमारे देश में एक हीरा खोया है। अरुण जेटली जी का योगदान पूरे भारत में बहुत बड़ा रहा है, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में या जब टेलीकॉम कमीशन थे या जब कानून मंत्री थे अटल जी के कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा इस देश में योगदान रहा है। आज उनको हम लोग पूरे प्रताप फाउंडेशन परिवार हमारा जो है पूरा हमारा मीरा भाईंदर शहर पर पूरा हमारा देश जो है आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसी के बीच में आज गोविंदा का जो हमारा ये त्यौहार फेस्टिवल है कहीं ना कहीं खुशी और गम दोनों के साथ हम लोग मना रहे हैं और हमारा पूरा देश हमारा पूरा गोविंदा पथक हमारा पूरा प्रताप फाउंडेशन और ये हमारा मीरा भाईंदर शहर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने इस धार्मिक त्यौहार को इस कल्चरल त्यौहार को मना रहे हैं। ये सौभाग्य है जो है हम सबका प्रताप फाउंडेशन परिवार का स्पेशली मेरा कि हमें लोग यहाँ के पूरा मीरा भाईंदर शहर के रहवासी यहाँ के समाज सेवी राजनीतिक हस्तियाँ बहुत प्यार करती हैं, संस्था को प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं लोग आते हैं और हम भी उनको उस मौका को गंवाना नहीं चाहते हैं कि गोविंदा का टोलियों का तांता लगा हुआ है। 100 से ज़्यादा टोलियाँ अभी आ चुकी है और अभी भी 2 से 2.5 घंटा समय बाकी है, कहीं ना कहीं 150-200 टोलियाँ हो जाएंगी। उनका स्वागत, उनका सलामी, उनका प्रदर्शन, उनका वेलकम के साथ साथ कहीं ना कहीं हम उन समाज सेवियों का उन अपने अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। दोनों चीज़ मिक्स करके हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास का माहौल रहता है। देखिए आज के प्राइज में एक कारण ये है कि हमने जो हमारा जो इनामी राशि मुख्य इनामी राशि रखे है उसका आधा राशि हम जो है बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं जो कोल्हापुर और सांगली सतारा में है और आधी राशि हम जो है इनाम के तौर पे देंगे। बाकी जो इनाम हम दे रहे हैं उसके साथ साथ हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि बाढ़ पीड़ितों के लिए लगा हुआ है, उसमें लोग जो है अपना डोनेशन कर रहे हैं और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी के हम वो जाके राशि हमारा डोनेशन जमा करेगा उनके माध्यम से कोल्हापुर में जाएगा वो राशि। अभी ऐसे कहीं भी खड़ा करके बना लेते हैं। ये कृष्णा जी तो इतने प्यारे थे तो उनकी ट्राफी भी जो है बहुत प्यारी बनानी पड़ती है, तो निश्चित तौर पे वो सब ध्यान में रखें। और कहीं ना कहीं मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारा जो कल्चरल ये प्रोग्राम है हमारा यंग क्राउड इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसको हमको आकर्षित करना रहता है कि वो जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते 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 फिर से हमारी संस्कृति की तरफ घूमा है तो घूमे तो कहीं ना कहीं पूरे मजबूती से वो घूम के हमारे संस्कृति को आगे बढ़ावे, भारत हमारा विश्व गुरु बने, ऐसी परिकल्पना हमारे फाउंडेशन का। दर्शकों का प्यार हमेशा ही विक्रम जी के साथ देखने को मिलता है कोई भी कार्यक्रम, विधानसभा चुनाव में दर्शक कितने आपके साथ होंगे? देखिए राजनीति और ये हमारा मंच ये दोनों अलग है। निश्चित तौर पे मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, उसके साथ साथ मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, लेकिन जब मैं सामाजिक काम करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ। मैं पॉलिटिक्स जरूर करता हूँ लेकिन उसका एक मर्यादा है, लेकिन समाज सेवा का हमारे फाउंडेशन का कोई मर्यादा नहीं है। इसको स्काई ऑफ द लिमिट जो है हम बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे, हमारे जीवन में बहुत दूर तक हम काम करना चाहते हैं समाज में, महाराष्ट्र की धरती पे और पूरे उत्तर भारत की धरती में हमारे भारत माता का सेवा करना हम सब चाहते हैं और कर रहे हैं हम लोग जो है जितना हमसे हो सक रहा है। थैंक यू।